वहीं आज अनुमंडल में सभापति पद के लिए अमन सिंह ने दिया नामांकन। हजारों की संख्या में समर्थकों का दिखा भीड़। वहीं रोड पर नामांकन के दौरान हजारों समर्थकों का भीड़ देखने को मिला है। जबकि आज अमन सिंह ने नगर परिषद शिवहर से सभापति पद के लिए आज अपना नामांकन दिया है और समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया है। जबकि मौके पर मनोज सिंह, मुजीबुर रहमान, अरशद वकील सहित कई उनके समर्थक मौजूद थे। वहीं सबसे ज्यादा भीड़ समर्थकों का देखने को मिला है। जबकि सभापति पद के लिए अमन सिंह ने आज अनुमंडल में नामांकन दिया है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम देखे गए हैं। जबकि मेन गेट पर बैरिकेडिंग के पास समर्थकों ने माला पहनाने के लिए लोगों का भीड़ देखने को मिला है। आज अमन सिंह ने शिवहर नगर परिषद से सभापति पद के लिए नामांकन दिया है। मुख्य पार्षद के लिए क्या मुश्किल है? साफ सफाई है, शहर का विकास है, नाला जो देख रहे हैं स्थिति है उसको सुधारना है। अभी शिवहर शहर का मुख्य जो समस्याएं हैं जगदीश मंदिर पर, हाँ क्या बोलिएगा? प्लान वे में किया जाएगा तो सुधरेगा, नहीं तो फिर वैसा का वैसा ही रहेगा। जो नॉलेजेबल बंदा है उस जगह पे जाएगा, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहाँ पहुँचेगा तो उसको सुधार पाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही रहेगा। तो इस पर सोच विचार के सब कुछ करना है और हम उस जगह पे आएंगे तो ज़रूर सुधारा जाएगा उसको। यहाँ के जनता के लिए क्या आपका संदेश होगा? जनता के लिए यही संदेश है कि सोच समझ के वोट करे, वोट जरूर करे और सब साथ मिल के अच्छे से करे ताकि हमारे समाज का उत्थान हो, विकास हो, हम सब का विकास हो। खुशी महसूस हो रहा है कि आज नगर परिषद के लिए बेटा मेरा चेयरमैन के लिए नामांकन भरा है, इससे खुशी का दिन और क्या। एक अनुभवी आप हैं, लोग कभी क्षेत्र में दोहन का काम नहीं किए हैं, कभी लूट खसोट नहीं किया, हमने विकास का काम किया है और विकास का और नगर परिषद का भी विकास होगा। हमने 5 साल चेयरमैन रहा, शिवहर में अपराध मुक्त शिवहर बनाया, शिवहर को विकास मुक्त बनाया। अभी मेरा ही दिया हुआ जो भी काम शिवहर में चल रहा है वो मेरे समय में ही सैंक्शन किया हुआ है, जो आज पंचायती राज का भवन भी बन रहा है। यहाँ का जो जनता हमारा है वो स्वच्छ छवि वाले को वोट दे और जब ये चुनाव जीतने के बाद यहाँ से जनता को घुसखोरी मिटा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और विकास होगा। बाजार समिति से लेकर के बहुत सारा मुद्दाएँ हैं यहाँ, जो हजारों के संख्या में लड़का को रोजगार मिलेगा कार्य करने के बाद। जो आज तक लोग 15-20 वर्षों से हमारा नगर परिषद था, लोगों ने नहीं किया। अगर मौका मिलता है तो क्या विशेष घोषणा होगा आपका सर? अगर मौका मिलता है तो सर्वप्रथम बाजार समिति, बस स्टैंड एवं शिवहर का अन्य हॉस्पिटल एवं मुफ्त इलाज, गरीबों का गली नली और मुफ्त इलाज गरीबों को दिया जाएगा और गरीब को और भी सारी बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार की आता है, जैसे इंदिरा आवास में हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो मुक्त होगा, और भी संस्थाने में जो जिला में फैला हुआ है भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, गरीबों का राज होगा, जनता का राज होगा। Yeah!
हल्का सा हटू ना, तो पहले हो गए।